हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज एसबीआई क्लरिकल के नोटिफिकेशन में आप सभी को बताना चाहूंगा, वहां पर सिविल रिपोर्ट के बारे में मेंशन किया गया है। अगर आपने कोई भी लोन लिया था और आपने उसको समय पर नहीं चुकाया, या फिर ये है कि कोई क्रेडिट कार्ड आपने ले रखा है उसके आपने ईएमआईज वगैरह नहीं पे किए हैं, तो इस केस में अगर बैंक ने सिविल को रिपोर्ट किया होगा तो दोस्तों अगर आपका सिलेक्शन भी हो जाता है तब भी आपका अपॉइंटमेंट नहीं होगा। ये चीज़ें एसबीआई ने स्टार्टिंग में ही अपने नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखी हैं। एक्चुअली जब फाइनल सिलेक्शन होगा उसके पहले ये चीज़ें वेरीफाई की जाएंगी कि आपका कोई लोन रीपेमेंट वगैरह तो नहीं है, क्योंकि ऑलवेज आपका जो पैन कार्ड होता है वो दोस्तों आपका लिंक होता है, और अगर आपके पैन कार्ड से ही सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि आपकी कितनी किस्त आपने नहीं दी है या फिर आपका पैसा जहाँ जहाँ पर बकाया है। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर रिकमेंड करूँगा, कोई भी ऐसा लोन अमाउंट हो तो आप उसका सेटलमेंट कर लो, और आई होप अगर आप इन चीज़ों को एक बार ब्रांच में डिस्कशन करके कर लोगे तो जो ये चीज़ें हैं वो आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, और जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाए आप इन चीज़ों को करें। और ये आपको अपनी बैंक से कांटेक्ट करके ही सारी चीज़ों को सेटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि एसबीआई ने ये क्लेरिफाई कर दिया है कि अगर आपका सिविल ख़राब है, आपकी लोन रीपेमेंट नहीं हुई है, आप डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, तो उस केस में जो आपका अपॉइंटमेंट है वो दोस्तों बैंक में नहीं किया जाएगा, और ये सारी चीज़ें वेरीफाई की जाएंगी आपके फाइनल सिलेक्शन से पहले। तो इस चीज़ में आप सभी को अवेयर रहना पड़ेगा। तो बेटर है कि अपने जो भी ड्यूज़ हैं इनको टाइमली क्लियर कर दो, और बैंक के साथ में जो भी आपका कम्युनिकेशन है इसके आप डिस्कशन करके इस चीज़ को आगे लेकर जाओ, ओके। और अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछें और अपनी तैयारी करते रहें एज यूजल, जिस तरीके से है, क्योंकि कंडीशन बहुत अच्छा है। और पेपर के लिए जो मॉक टेस्ट हैं वो भी दोस्तों अवेलेबल हैं, लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इसको देखें और लाभ उठाएं।